आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतेंद्र कुमार राय, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर। आज हम सीखेंगे गणित की कंपोजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की कीबोर्ड में यह सिंबल नहीं होता है जो आपको मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आपको समझाने के लिए हमने पहले से ही यह बना करके रखा हुआ है, टाइप करके रखा हुआ है इक्वेशंस। लाइक जैसे ये डिवाइडेड का साइन, रूट्स। तो मित्रों, एमएस वर्ड में कंपोज करने के लिए इंसर्ट टैग के ऊपर हमने क्लिक करना है। आप जैसे इंसर्ट टैग के ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैग का जो इंटरफेस है वो मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। इसमें से हमने जो ऑप्शन है वो इक्वेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही इक्वेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका जो डायलॉग बॉक्स है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। लाइक एरिया ऑफ सर्कल, लाइक बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ अ सम, फोरियर सीरीज। तो मित्रों, इसमें ढेर सारे टेम्पलेट्स पहले से बनी हुई है, आप ये टेम्पलेट्स भी यूज़ में ला सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो स्क्रीन के ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो वैल्यू है वो आप बड़ी आराम से चेंज कर सकते हैं, जस्ट कर्सर रख करके वहाँ पे क्लिक कर देंगे और जो भी चेंज करना है आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जब आप इंसर्ट टैग के इक्वेशन ऑप्शंस को क्लिक करते हैं तो मॉनिटर के ऊपर में उसका जो डिज़ाइन विंडो है वो अपीयर हो जाता है। लाइक जैसे इसमें टाइप करने के लिए बहुत ही सिंपल से है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करना है 10, आगे इसमें से जो ऑप्शंस हैं मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, तो गाइज आप इसे ध्यान से देखेंगे। मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तकरीबन सभी सिंबल्स हैं, प्लस माइनस सिंबल, इन्फिनिटी, इक्वल, नॉट इक्वल, तो इसमें सभी तरह के सिंबल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा गाइस, आपने इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बेसिक मैथ आइकन दिखाई देगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे आपने कोई ऑपरेटर यूज़ करना है तो ऑपरेटर के ऊपर क्लिक कर देंगे, कोई एरो इंसर्ट करना है तो एरोज के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस सभी में अलग अलग तरह के ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएगी उससे रिलेटेड। जैसे ज्योमेट्री का हमने कोई लेना ऑप्शन, तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री के ऑप्शंस हैं वो सारे आ गए। लाइक जैसे देयरफॉर का सिंबल लगाना है, हम क्लिक करेंगे, देयरफॉर का सिंबल आ गया। जहाँ कर्सर होगा वहीं पे ये सिंबल इंसर्ट हो जाएगी। जैसे बिकाउज का लगाना है तो हमने जस्ट क्लिक करेंगे और साथ में वो जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे आप देखेंगे कि वो आ गई है। इसका जो साइज़ है फॉन्ट का वो नॉर्मल, आपने होम पे जाना है, होम टैब को ओपन करके जो फॉन्ट का साइज़ है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो मित्रों, ये जो इक्वेशन है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फ्रैक्शन। लाइक जैसे कोई फ्रैक्शन का सिंबल आपने लेना होगा तो आप फ्रैक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप इनमें से जो भी फ्रैक्शंस लेना है, स्टैक्ड फ्रैक्शन, स्क्यूड फ्रैक्शंस,
तो एज पर नीड आपने जस्ट क्लिक करेंगे और ये जो बॉक्स सा दिख रहा होगा आप इसके ऊपर में कर्सर रख करके आपने टाइप करना है, मीन्स क्लिक करेंगे और जो भी टाइप करना है आप सिंपल टाइप कर सकते हैं। हम एक बार फिर से इसमें जो बेसिक मैथ है वो ओपन कर रहे हैं। अगेन हमें स्क्रिप्ट जो फ्रैक्शन है वो लेना है। तो मित्रों आपने देखा कितनी आसानी से ये जो है वो कंपोज हो गई। इसके अलावा इसमें इक्वेशन के अंदर क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट अगर इंसर्ट करना होगा तो आप स्क्रिप्ट ले लेंगे, रेडिकल इंटीग्रल लार्ज ऑपरेटर ब्रैकेट कई तरह के इसमें ब्रैकेट हैं। तो कोई मैट्रिक्स इंसर्ट करना होगा तो आप मैट्रिक्स वाले जो टैग है उसको ओपन कर लेंगे, कोई एसेंट लाना होगा एसेंट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, कोई फंक्शन अगर हमने यूज़ करना है तो फंक्शंस लाइक साइन कोस टेंजेंट है ना। तो आपने देखा कितनी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इक्वेशंस कंपोज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।